Hey guys, welcome back. Manish is here. So, आज हम सीखेंगे A minor chord. Alright? So, तो कुछ दिन पहले हमने chord सीखी थी A major, D major. तो हमने दो song की थे उस पर. तो आज हम A minor chord करेंगे जो कि E major की तरह है. Alright guys, so this is a chord diagram of A minor chord. तो first finger रखनी है आपको first fret में second string पे. सेकेंड फिंगर रखनी है सेकेंड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग पे एंड थर्ड फिंगर रखनी है थर्ड स्ट्रिंग पे ऑन द सेम फ्रेट. ठीक है. और हम सिक्स स्ट्रिंग प्ले नहीं करते हैं माइनर में. ऑलराइट, सो हम फाइव स्ट्रिंग प्ले करेंगे. सो तो आपको ये चेक करना है, प्ले करके देखना है. अगर आपकी फिफ्थ स्ट्रिंग म्यूट हो रही है, इट मीन्स कि आपकी जो सेकेंड फिंगर है वो टच हो रही है उसको. ठीक है. अगर आपकी सेकेंड स्ट्रिंग म्यूट हो रही है, इट मीन्स कि आपकी जो थर्ड फिंगर है वो थोड़ी सी लग रही है, ठीक है, इस वाली स्ट्रिंग को. तो आपको वो चेक करना है, एडजस्टमेंट करनी है थोड़ी सी. और जो हैंड की शेप अपने, तो आपको ऐसे राउंड रखनी है जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था. तो अगर आप ऐसे रखोगे, ठीक है, अगर आप ऐसे करके रखोगे तो म्यूट हो सकती है स्ट्रिंग. तो वही है कि आपको ऐसे रखना है पोजिशन, ठीक है. जो फिंगर है इनको आपको राउंड करके रखना है ताकि आपकी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो म्यूट ना हो. और जब भी आप कॉर्ड पकड़ें तो आपको अपनी फिंगर टिप्स यूज़ करनी है, अपनी फ्लैट फिंगर से ऐसे कभी कॉर्ड नहीं पकड़नी, ठीक है. अपनी टिप्स से कॉर्ड पकड़ो सो दैट यू कैन गेट ए क्लियर साउंड. ऑलराइट, तो आप देखोगे कि जो ई मेजर है हमारी, हमने पिछली कॉर्ड सीखी थी, तो आपको ई मेजर आती है तो उसी को आप एक एक स्ट्रिंग नीचे ले आओ, ठीक है, उसी शेप को, जो भी शेप हमारी ई मेजर पे थी वही शेप है, वही शेप को नीचे ले आओ एक एक स्ट्रिंग. सो दिस इज योर ए माइनर कॉर्ड. राइट, सो गाइस, दिस इज हाउ वी कैन प्ले ए माइनर कॉर्ड. इस कॉर्ड की आपको प्रैक्टिस करनी है और जो पिछली कॉर्ड है उनकी प्रैक्टिस करते रहना है. तो जो सॉन्ग है उनकी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, आपको, ताकि पीछे छूटे ना, ठीक है. कुछ जो एक्सरसाइज है वो तो डेली करनी है, जो मैंने एक्सरसाइज सिखाई हुई है कोर्स में. सो ये प्ले लिस्ट का लिंक है, सो जिस गिटार बिगिनर कोर्स की प्ले लिस्ट का लिंक है तो आप शेयर कर सकते हो इसे. एंड इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू द नेक्स्ट वन.